आपको बता दें कि महाकाली के पैरों के नीचे माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में महाकाली सबसे पहले स्थान पर आती हैं। माँ काली का स्वरूप काला और देखने में बेहद डरावना लगता है। ऐसी मान्यता है कि माता के स्वरूप की उत्पत्ति राक्षसों के नाश के लिए हुई थी। महाकाली ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनसे खुद काल भी खौफ जाते हैं, और जब माता को क्रोध आता है तब इस संसार की पूरी शक्तियां एक साथ मिलकर भी उन्हें शांत नहीं करा सकती। वहीं दूसरी तरफ देवों के देव महादेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो आदि और अनंत हैं। शास्त्रों के अनुसार रक्तबीज नाम एक दैत्य ने कठोर तप करके वर पाया था कि अगर उनके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे उसी के समान अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। इस वरदान को पाने के बाद रक्तबीज ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। तीनों लोगों पर अपने आतंक से हाहाकार मचाने वाले रक्तबीज से शस्त्र देवताओं ने आखिरकार उसे युद्ध के लिए ललकारा। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करना चाहा, लेकिन जैसे ही उनके शरीर से रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरती तो उससे अनेक रक्तबीज पैदा होने लगे। इस तरह से रक्तबीज और भी शक्तिशाली होने लगा। तब जाकर सभी देवता मदद के लिए महाकाली की शरण में जा पहुंचे। तब सुंदर स्वरूप वाली भगवती दुर्गा ने राक्षसों को मारने के लिए काला, विकराल और डरावना स्वरूप धारण किया। भयंकर और विकराल रूप वाली महाकाली ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और राक्षसों का वध करना आरंभ किया, लेकिन धरती पर रक्तबीज का रक्त गिरने से अनेक दैत्यों का जन्म हो जाता जिससे युद्ध भूमि में उनकी संख्या बढ़ने लगी। तब माँ काली ने अपनी जीभ के आकार को और भी विकराल कर लिया जिससे दानवों का रक्त धरती पर गिरने के बजाय माता की जीभ पर गिरने लगा। इस तरह से माँ दैत्यों का वध करते हुए उनका खून पीने लगी। सभी दैत्यों को मारने के बाद महाकाली ने रक्तबीज का भी वध कर दिया, लेकिन उसका वध करते करते महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उसे शांत करना किसी भी देवता के बस की बात नहीं थी। वहां मौजूद सभी देवता माता के इस क्रोध को देखकर डर गए थे, लेकिन उनके गुस्से को शांत करना भी बेहद जरूरी था, इसलिए सभी देवता मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास गए। सभी देवताओं ने भगवान शिव से महाकाली के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने महाकाली के क्रोध को शांत करने की काफी कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। तब महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं माता के मार्ग में लेट गए। जब महाकाली के पैरों के नीचे शिव आए तब माँ का क्रोध शांत हुआ। महाकाली के भयंकर क्रोध को सिर्फ महादेव ही शांत कर सकते थे, इसलिए स्वयं भगवान शिव को महाकाली के पैरों के नीचे आना पड़ा। नेक्स्ट स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।